खबरों बढ़ेंगे आगे। पलामू की खबर है, पलामू के चैनपुर से बुजुर्ग के खाते से फर्जी निकासी का मामला प्रकाश में आया है, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर पथरा में बुजुर्ग ने प्रज्ञा केंद्र के संचालक सत्येंद्र प्रसाद पर खाते से फर्जी निकासी का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से उचित कार्रवाई की मांग की है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त बुजुर्ग के खाते में आई थी, जिसे प्रज्ञा केंद्र संचालक ने फर्जी तरीके से निकाल लिया, जिसके बाद बुजुर्ग ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामले को थाने में दर्ज करा दिया है। किस चीज का पैसा था ये? कॉलोनी वाला था। अच्छा, कौन निकाला ये पैसा? गोपाल के लड़का सत्येंद्र, उसमें लिखा है ना, गोपाल के लड़का सत्येंद्र निकाला है। मैंने कहा, मैंने प्रज्ञा केंद्र में गए थे, प्रज्ञा केंद्र मतलब ग्रामीण बैंक से कर